हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिग्ना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHA 01 के बारे में बात करने वाले हैं। अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो रहा है, 31 मई है और अभी से आधे घंटे बाद 1 जून लग जाएगा और 1 जून से आपका एमए हिस्ट्री का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। जो सबसे पहला पेपर होगा MHA 01 का ही होगा, जिसके कारण से मुझे अभी ये वीडियो बनानी पड़ रही है। नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं इस समय रात में जगकर आपके लिए वीडियो बना रहा होता, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम हैं जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, उनको डाउट है, कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से आंसर लिखेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से अच्छे नंबर आ सकते हैं, एटलीस्ट पास होने पर नंबर मिल जाएँ। तो उसके कारण से मुझे वीडियो आज बनानी पड़ रही है। चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमें क्या क्या चीज़ें बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम जून 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर में इंपॉर्टेंट हैं और पिछली बार मैंने इसको करवाया नहीं था, सॉल्व नहीं करवाया था, जिसके कारण से आज हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ बहुत सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे। क्वेश्चंस क्या थे कि जैसे कि हमें एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है 500 वर्ड के अंदर में लिखना होता है। अगर आप 500 वर्ड के अंदर में प्रॉपर लिखते हो तभी आपको 20 में से नंबर मिल पाते हैं और 20 में से 16, 17, 18 जो भी नंबर होते हैं वो मिल पाते हैं नॉर्मली 500 वर्ड के टारगेट को अगर अचीव करते हो तो। अदरवाइज़ क्या होता है, नॉर्मली जब हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे होते हैं और सही से प्रिपरेशन नहीं होता, तैयारी नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है 300 वर्ड के अंदर अंदर में ही हम अटक जाते हैं, वहाँ तक ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे हम दम तोड़ देते हैं कि यार अब इससे आगे हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो हम 300 वर्ड को या 250 वर्ड को कैसे हम 500 वर्ड में बदलें, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक रहने वाला है। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो मैं डेट है ना वो भूल जाता हूँ, जो इतिहासकार का नाम है ना वो मैं कोट नहीं कर पाता, किस तरह से उसको बताऊँ, किस तरह से उसको प्लेस करूँ जिससे मेरे अच्छे नंबर बने, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम रहती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, सर जो मेरा क्वेश्चन सेलेक्शन है ना कि वो कैसे किया जाए, समझ में नहीं आता, वो मुझे बताइए। और टाइम मैनेजमेंट चौथा यहाँ पे क्या रहता है, टाइम मैनेजमेंट, भैया टाइम को कैसे मैनेज करें, क्वेश्चन सेलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के अंदर में प्रॉपर हमें कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें यार अच्छे नंबर मिल सके, हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन के अंदर में जो हमारा एक क्वेश्चन है उसके अंदर में कितने नंबर का टारगेट लेके चलना चाहिए, इतने नंबर हमारे एग्जाम के अंदर में मिलने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन से। तो इन सभी की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ में हम सोल्व करेंगे जून 2022 के क्वेश्चन पेपर को भी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है और आपके बुक का नाम है प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। यहाँ पर हम दो टाइम पीरियड की बात करते हैं। प्राचीन मतलब क्या, जब मानव का उद्भव हुआ। मध्यकालीन मतलब क्या, जब वो मानव विकास किया और मिडाइवल एज के अंदर में आया, उसके बारे में हम बात करते हैं। मिडाइवल एज के अंदर में मानव किस तरह से परिवर्तित हो रहा था, उसका जीवन व्यापन का तरीका किस तरह से बदल रहा था, किस तरह से वो विकास कर रहा था, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं मिडाइवल समाज के अंदर, मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर में, ठीक है, समझ में आता है। और नॉर्मली ये जो पूरा टाइम पीरियड, जो मतलब इस क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँ स्पेशली, तो ये जो जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है और या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर लेते हो, 3 घंटे का टाइम मिलता है, 100 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है। अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपको टारगेट कितने का लेके चलना है, तो 16 प्लस का आपको एटलीस्ट टारगेट लेके चलना है। अगर आपको पर क्वेश्चन 16 प्लस नंबर मिल रहे हैं तो आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो, एक अच्छा परसेंटेज बन सकता है जो आगे के लिए आपके लिए यूजफुल होता है। 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, 500 वर्ड के अंदर में आपको आंसर लिखना है। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम 500 वर्ड के अंदर में लिख नहीं पाते, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कृषि की शुरुआत का विश्लेषण कीजिए। कृषि की शुरुआत हुई कैसे, किस तरह से कृषि की ओर आगे मानव बढ़ा। आज के समय में जो मानव है, जो जिस तरह का मैं दिखता हूँ, आप दिखते हो, बाकी लोग दिखते हैं, क्या पहले भी इस तरह के थे, तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। रीज़न इसका यह है कि मानव का जो विकास हुआ बहुत समय के अंतराल में हुआ, धीरे धीरे समय के साथ में विकास करता गया, और जो आज का मानव है वो चिंतनशील मानव के अंदर में आता है, जिसको हम साइंटिफिक नेम के अंदर में होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं, ठीक है। और ये चिंतनशील मानव क्या है, इसको विकास करने में बहुत लंबा समय लगा, और विकास करने के बाद ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट उसने हंसुआ फतो कुदारी और फावड़ा जो भी है उठाया और खेती करने लगा, ऐसा नहीं था। उसने क्या किया कि सबसे पहले पशुपालन की ओर बढ़ा, और पशुपालन की ओर बढ़ने से पहले भी उसने किस तरह का जीवन व्यतीत किया, तो शिकारी का जिंदगी व्यतीत किया, ठीक है, शिकारी संग्रह का जिंदगी व्यतीत किया, जिसने अनाज को इकट्ठा करके खाया, ठीक है, रसद का जिंदगी व्यतीत किया। रसद क्या होता है, जो खुरुच खुरुच के मरे हुए जानवरों को खाता है उसको रसद बोलते हैं। मछली के ऊपर में उसने डिपेंडेंसी करी और उसको उस तरह से खाया,
ठीक है, तो इस तरह के उसने जीवन व्यतीत किया। उसके बाद इस स्टेज के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे पशुपालन की ओर बढ़ता है और पशुओं को पालना स्टार्ट कर देता है। पशुपालन के बाद जो चौथा स्टेज आता है उसके अंदर में वो कृषि की ओर बढ़ता है और कृषि की ओर अग्रसर होता है। धीरे धीरे समय के साथ में वो कृषि करने लगता है। तो ये क्या है, प्रॉपर स्टेज है कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, किस तरह से आगे उसका विकास हो रहा है। ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कृषि की शुरुआत के बारे में बताना है कि कृषि की शुरुआत किस प्रकार से हुआ, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में किस प्रकार से ग्रो किया, विकसित हुआ, उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करना है। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन रहता है आपका, कांस्ययुगीन समाज से रहता है। देखो, इससे पहले कांस्ययुगीन समाज से पहले जो उस समय के मानव को अगर आप स्टडी करते हो तो नॉर्मली आपको औजार से आपको पता चल जाता है कि उस समय जो औजार थे पत्थरों के बने हुए थे। और पत्थरों के औजार से भी अगर आप उस पूरे टाइम पीरियड को, अगर पत्थर के टाइम पीरियड को, स्टोन एज को आप देखते हो, तो सबसे पहले जो औजार हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े पत्थरों के हुआ करते थे, जिनको कैरी करना भी, एक जगह से दूसरी जगह ढोना भी बहुत मुश्किल होता होगा। ठीक है, और पर समय के साथ में जब परिवर्तन होता है, समय के साथ में क्या होता है, औजार धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं, और छोटे होने के साथ साथ में क्या होता है, उसको कैरी करना इजी होता है, पर वो पत्थरों के ही औजार होते हैं। बट जब हम कांस्ययुगीन समाज की बात करते हैं, जहाँ पे कांस्ययुगीन समाज के अंदर में जो औजारों के अंदर में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है, औजारों ग्रो करने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं, मजबूत बनते हैं, धारदार बनते हैं, जिससे शिकार कर पाना आसान होता है। साथ साथ में जो कांस्ययुगीन समाज के अंदर में जो समाज है वो भी ग्रो करता है। अलग अलग कलाएं समाज के अंदर में आती हैं, प्रतिभाएं आती हैं। कलाएं और प्रतिभा का कहने का मतलब क्या कि लोग जो थे औजारों के ऊपर भी वर्क करना स्टार्ट किया, मतलब जो कार्य के अंदर में विभिन्नताएं हैं वो देखने के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कांस्ययुगीन समाज के बाद में जितना ग्रो कर रहा होता है उससे ज़्यादा ग्रो करता है जब हम लोह युगीन की बात करते हैं, लोहे का उपयोग करने की हम जब बात करते हैं तब उस टाइम पीरियड के अंदर में ज़्यादा ग्रो करता है। तो समाज के अंदर में किस तरह का जो स्वरूप था, किस तरह का परिवर्तन होता, संरचना क्या थी इस टाइम पीरियड के अंदर में कांस्ययुगीन समाज के अंदर में, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर में बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कुछ खास है नहीं बट फिर भी बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसको मैंने कई बार करवा रखा है, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें। ठीक है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में भी एक दो बार आया है क्वेश्चन, तो उसको देखें जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे रोमन साम्राज्य के अंदर में जो पेट्रिशियन है और अभिजात वर्ग, मतलब अभिजात वर्ग और जनसाधारण के बीच में किस प्रकार का संघर्ष रहा, आप ये पेट्रिशियन को भूल जाओ, प्लेबिनसिन्स को भूल जाओ, आप सिंपल सा ये रखो जो अपर क्लास था और लोअर क्लास था, जो मिडिल क्लास था, उनके बीच में किस प्रकार का संघर्ष रहा। ठीक है, किस प्रकार के संघर्ष हुए उसको डिफाइन करना है। ठीक है, किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको डिफाइन करना है, और उस पर नंबर मिल जाते हैं अच्छे। ठीक है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में इस्लामिक राज्य की स्थापना की प्रक्रिया को बताइए। अब देखो, इस्लाम की जो स्थापना हुई, एक था नहीं कि एक दिन के अंदर में स्थापना हो गई, तो किस प्रकार से धीरे धीरे करके इस्लाम की स्थापना हुई, किस प्रकार से मक्का मदीना पूरा जो क्षेत्र था वो किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से व्यापारिक स्वरूप के कारण से वो बढ़ता चला गया, ग्रो किया, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अलग से ही पूरा करवा रखा था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की कमेंट आते हैं कि सर आपने जून वाला 2022 का क्वेश्चन पेपर नहीं करवा रखा है, जिसके कारण से मैंने सोचा कि यहाँ पे डिस्कशन भी हो जाएगा और बाकी जो पॉइंट्स के आंसर मुझे देने हैं वो भी हम दे पाएंगे। देखो, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए। यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं आगे ऐड करना चाहूँगा, जब आप इग्नू के अंदर में एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको पेज अपना काउंट करना है, जो आपका आंसर शीट है ना उसके पेज को काउंट करना है। और पेज को काउंट करने के बाद, आप बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर को कितने पेज में लिखना है, तो सबसे पहले आप घर पे लिख कर देखो कि आपके कितने पेज के अंदर में 500 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो तो उसने पेज में लिखना है। नॉर्मली क्या रहता है कि 4.5 से लेके ना, ठीक है, 415 से लेके ना आप यहाँ पे लेके चल सकते हो कि आप 5 पेज तक यहाँ पे लिख सकते हो। 4.5 से 5 पेज के अंदर में आपको आंसर लिखना है, 4 से 5 पेज के अंदर में प्रॉपर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 20 में से 18, 17, 15, 14 नंबर आराम से मिल जाते हैं, इससे का नंबर कम नहीं, कहीं नहीं आते। ठीक है, इतने अच्छे नंबर आराम से मिल जाते हैं आपको, पर उसके हिसाब से जो पूछा गया है वो बताना है और इस तरह से लिखना है। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, 27-28 पेज होते हैं, आप मान के चलो 25 है, तो 25-25 हो गया, मतलब 5 × 5 5-5 पेज का एक आंसर आपका बन जाता है। तो इस तरीके से आपको जो पेज सिलेक्शन है वो करना है, वर्ड सिलेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 6वां क्वेश्चन, जहाँ पे बात करते हैं विद्वानों के मध्य यूरोप में सामंतवाद के पतन की
संबंधित विवाद की चर्चा कीजिए। अब देखो अलग अलग विद्वान यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। विद्वान मतलब क्या, यहाँ पे जैसे विद्वान बोला ना, वहाँ पे इतिहासकार भी आप बोल सकते हो। तो मध्य यूरोप के अंदर में सामंतवाद का पतन किस प्रकार से हुआ, देखो जब सिटी ग्रो करेगी ना, जब शहर ग्रो करेगा, नगर ग्रो करेगा, तो अपने आप ही सामंतवाद क्या है ना, कमजोर पड़ता चला जाएगा और डिक्लाइन मोड में आ जाएगा। ठीक है, सामंतवाद का ग्रो करने का पतन होने का कारण क्या हो सकता है, जब मार्केट ग्रो करे, अर्थव्यवस्था ग्रो करे, अर्थव्यवस्था विकास करे, लोग क्या हो, समृद्ध बने, ठीक है, तब वहाँ पे सामंतवाद कमजोर पड़ता चला जाता है। ठीक है, राजा के हाथ में पूरी तरह से पावर जाए, राजा निष्क्रिय करने लगे, ठीक है, वहाँ पे एक्ट ऑफ पावर होना, अलग अलग लोगों के हाथों में बट जाए, ठीक है, तब वहाँ पे सामंतवाद धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। तो आप वहाँ पे सामंतवाद के संबंधित जो विवाद है, पतन का जो विवाद है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आता है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकाल में व्यवसायिक पद्धति और व्यापारिक वर्ग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब देखो मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर में किस प्रकार के व्यवसायिक पद्धति थी, कौन कौन से व्यवसायिक पद्धति थी और व्यापारिक वर्ग कौन सा था, किस प्रकार के व्यापारिक वर्ग द्वारा वर्ग व्यापार किया जाता था, उसके बारे में आपको बताना है। व्यापारिक पद्धति, व्यवसायिक पद्धति के बारे में बताओगे तो अलग अलग तरीके से व्यापार किया जाता था, सबका अपना अपना चीज़ों का अलग अलग व्यापार करने का तरीका था, तो उसको यहाँ पर डिफाइन करना है। मध्यकाल टाइम पीरियड से ये क्वेश्चन बन के आता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको जो मुझे बताना था यहाँ पर, कि जैसे एक किसी भी स्टूडेंट का, जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी स्टूडेंट का 200 से 250 वर्ड अगर वो लिखता है, ठीक है, वो 200 वर्ड लिखा, 200 वर्ड में आंसर लिखा, 200 को उसने किसी भी तरीके से 250 कर दिया, 250 को उसने 300 कर दिया, पर वो 300 के बाद हार मान जाता है, उसको 500 में वो नहीं कर पाता है, तो वो क्या करे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, जो सबसे ईजी तरीका है एक MA हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, सबसे ईजी तरीका और सबसे पहले करना चाहिए उसे, आप सबसे पहले क्या करो, वो क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो आपको पूरी तरह से आता है और जिसमें आप 500 वर्ड में आंसर लिख सकते हो, और नहीं आता है फिर भी आप ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन है ऐसा कि जो आपको समझ में आ रहा है, एटलीस्ट आप इसके अंदर में 400 वर्ड लिख सको, 450 लिख सको, 500 ना सही पर मतलब एटलीस्ट उसके आसपास में लिख सको, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करो। और जो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, अक्सर क्या होता है उन क्वेश्चन के साथ में होता है जो हमने अच्छे से तैयारी नहीं कर रखा, जिसमें हमारे डाउटफुल होते हैं कि हाँ यार इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे इतना ही आता है, तो उसके अंदर में प्रॉब्लम हम फंसते हैं। दूसरी चीज़, इस प्रॉब्लम के में फंसने का रीज़न ये भी होता है कि मान लो आपको लिखना 5 पेज का आंसर है और आपने सिर्फ 10 लाइन पढ़कर गए हो या 2 पेज पढ़कर गए हो, तो आप 5 पेज में आंसर नहीं लिख सकते, ये भी एक रीज़न होता है। कितना बना बना के लिखोगे, उसके कारण से भी एक प्रॉब्लम में फंसते हैं। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये निकलता है कि आप, अगर आपको 5 पेज लिखना है तो ऑलमोस्ट आप 20 पेज स्टडी करोगे, तब आप 5 पेज के लिए याद कर पाओगे और 5 पेज आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप 5 पेज नहीं लिख सकते। यहाँ पे इजी सॉल्यूशन ये भी है रहता है कि आप इसको क्या करो, तैयारी करो, किस तरह से लिखा जाना है आपको आंसर शीट, किस तरह से बढ़ना है उसकी तैयारी करो, और जो भी क्वेश्चन है उसको एक तरह से फिल्म की तरह इमेजिन करो कि क्या फिल्म के अंदर में किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसके अंदर में किस तरह से रोल प्लेस हो रहा है, वो आप बताओ, उसको इमेजिन करो, उसको एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे लेके चलो कि आपका पहला ही क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन के अंदर में कृषि की शुरुआत कैसे हुई, तो कृषि की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि कृषि व्यवस्था के आरंभ में मानव का स्वरूप किस प्रकार का था, मानव आगे चल कैसे रहा था, मानव आगे ग्रो कैसे कर रहा था, पहले सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। जब हम मानव को समझ जाते हैं, मानव को समझने के बाद हम कृषि को इजीली समझ पाएंगे कि कृषि किस तरह से विकास किया, ठीक है। तो आपको स्टोरी इमेजिनेशन के ऊपर में वर्क करके भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हो और इजीली आप 500 वर्ड में कवर कर सकते हो। पर सबसे मेन चीज़ इसके अंदर में यही है 500 वर्ड के अंदर में लिखने का, कि आपको अगर 5 पेज में लिखना है तो आपको ऑलमोस्ट 10 पेज पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके 5 पेज लिख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन यूरोप में हुई वैज्ञानिक प्रगति की पर एक टिप्पणी कीजिए। अब यूरोप के अंदर में किस तरह से वैज्ञानिक प्रगति हो रहा था, आपको पता होगा औद्योगिक क्रांति का दौर शुरुआत हुआ धीरे धीरे समय के साथ में, और वहाँ पर औद्योगिक क्रांति के साथ में क्या होता है कि लोग जो थे वैज्ञानिक प्रणालियों पर भरोसा करने लगे, अलग अलग तरह की वैज्ञानिक तरक्की होने लगती है, ठीक है, और किस तरह से वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है उसके बारे में आपको बताना है। यूरोप के अंदर में किस तरह से प्रमुख वैज्ञानिक प्रगतियाँ थी, वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही थी, तकनीकों के अंदर में क्या परिवर्तन आ रहा था, तकनीकों के ऊपर के जो मेन था बेस था, मतलब वैज्ञानिकों ने कितनी मदद करी तकनीकों के आधार पर, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करके लिखना है, ठीक है, समझ में आता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि किस प्रकार से बारूद और युद्ध की नवीन तकनीकों ने विश्व पर यूरोप की श्रेष्ठता स्थापित करने में श्रेष्ठता स्थापित करने में सहायता प्रदान करी।
देखो बारूद और युद्ध की जब हम बात करते हैं, मतलब संपूर्ण युद्ध किस प्रकार के होते हैं, कुल युद्ध किस प्रकार के होते हैं जिसे हम टोटल वॉर कहते हैं, तो इसमें किस प्रकार से यूरोप के अंदर में श्रेष्ठता अपने आप को प्रदान करी कि मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा प्रमुख हूँ, ये किस प्रकार से प्रदान की गई? तो नॉर्मली क्या था, बारूद और नवीनतम तकनीकों के जरिए, ठीक है, जो नई नई टेक्नोलॉजी थी ना उसके जरिए यहाँ पे पता चला, अच्छा ये चीज़ ये बॉस है। अमेरिका जब उन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में जापान के ऊपर हमला करता है, और उसके बाद में जब वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो मेन रीज़न क्या था, अमेरिका ने जो सोवियत संघ उस पर जापान पे हमला किया था हिरोशिमा नागासाकी पे, ठीक है, तो उसका मेन रीज़न सबसे बड़ा यही था कि वो अपना दबदबा दिखाना चाहता था कि आई एम द पावर मैन, आई एम द पावरफुल, आई एम द बॉस, ये दिखाना चाहता था, जिसके कारण से उसने हमला किया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे रहती है कि किस तरह से आप जो है ना अपनी तकनीकों को उपयोग करते हो, अपने पावर का उपयोग करते हो और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हो, ये भी यहाँ पे एक चीज़ रहता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप इजीली दे सकते हो। यहाँ पे बच्चों ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सर जो एग्ज़ाम के अंदर में क्या होता है कि किसी का भी हम आंसर लिखते हैं तो हम क्या होता है डेट भूल जाते हैं, कि डेट क्या है, टाइम कौन सा था यार, कौन सा सन में वो पैदा हुआ, ये याद नहीं रहता, तो हम इसको याद कैसे रखें? तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप डेट अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि आप उस शताब्दी को याद करो, 16वीं शताब्दी के अंदर में ये हुआ, 15वीं शताब्दी के अंदर में ये हुआ, एग्जैक्ट डेट बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो चल जाता है काम आराम से, इजिली हो जाता है। अगर आपको डेट कब बतानी पड़ेगी, अगर किसी राइटर के बारे में पूछ रहा है, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तब आपको डेट बतानी पड़ेगी, वो एग्जैक्ट डेट बतानी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसको याद करना इंपॉर्टेंट है तब आपको डेट बतानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका तो इस तरह से चल जाता है। नॉर्मली जैसे क्या कि हम बात करते हैं कि कोई भी जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मध्यकाल के अंदर में किस तरह से क्या परिवर्तन आया, सामंतवाद का परिवर्तन किस तरह रहा, तो सामंतवाद का जो साक्ष्य मिलता है 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में मिलता है, 15वीं शताब्दी के बीच में मिलता है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये रहा। तो मतलब क्या है कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता कि 14 तारीख को इतने बजे, इतने तारीख इतने बजे, ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता, बट रफली एक अंदाज़ा लगा कर चलते हैं कि ये इस तरह का रहा होगा, इसका ये टाइम पीरियड रहा होगा, और हम उसको लिख सकते हैं और वहाँ पर नंबर हमारा मिल जाता है। अगर कन्फ्यूजन हो कि टाइम पीरियड नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप शताब्दी अगर आपको याद है कि कौन सा टाइम पीरियड के अंदर में कौन सी शताब्दी चल रही थी, 18वीं 19वीं 17वीं 15वीं 14वीं जो भी चल रही थी, वो आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, समझ में आता है। एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहता है कि कई बार आंसर हम पूरा लिखते हैं, पूरा लिखते लिखते बीच में लगता है यार अब तो नहीं हो पाएगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तब हम क्या करें, आंसर हम कैसे लिखें भैया, उसके अंदर में हमें क्या करना चाहिए? तो इसके अंदर में सिंपल सा तरीका ये है डियर, कि आपको क्या करना है कि आंसर जब आप ख़त्म करते हो तो आप कोशिश करो उसको और सोचो, उसको 2 बार 3 बार पढ़ो, और जो आपका टाइम लिमिट है ना उसके अंदर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो पाता है तो पेज छोड़कर मत लिखो, वहीं पे जहाँ पे आपका पेज एंड हो रहा है वहीं से आप आगे के लिए स्टार्ट करो, ये एक प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरीके से पूरा आपके एग्जाम के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से क्या है, आपका जून 2022 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हुआ। अगर कोई क्वेश्चन जो लग रहा है आपको मैंने नहीं करवाया, जो आपके डाउट के अंदर में मैंने नहीं लिया, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उस क्वेश्चन के ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करेंगे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो बेझिझक होकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे के पेपर में भी वो यूजफुल रहने वाला है। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।